गोवर्धन मथुरा योगीराज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। गोवर्धन के गांव महमदपुर पारशोली के निवासियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी की। मथुरा में फर्जी तरीके से कराया बैनामा। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। महमदपुर पारशोली निवासी अमरनाथ शर्मा ने आज गोवर्धन मथुरा बाईपास पर अपने परिजनों के साथ उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया। अमरनाथ ने बताया कि गणेशा का रहने वाला उनका ही भांजा उमेश व अपने ही भाई सत्यनारायण पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उनकी जमीन को अवैध तरीके से कई लोगों के खिलाफ बैनामा करा दिया है। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने थाना गोवर्धन में इन भूमाफियाओं के खिलाफ तहरीर दी थी, मगर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही पीड़ित अमरनाथ ने बताया कि सत्यनारायण व उसकी पत्नी दबंग टाइप के इंसान हैं जो उन्हें आए दिन धमकी देते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं और जान से मारने के लिए कई बार प्रयास भी किया गया है। अमरनाथ ने शासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अमरनाथ अपने परिवारजनों के साथ तहसीलदार अजीत कुमार से मिले। उन्होंने SHO थाना गोवर्धन के लिए लिखित कार्रवाई के आदेश दिए। देखना होगा कि शासन प्रशासन इन दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, ब्रज प्रांत ब्यूरो चीफ, क्राइम रिपोर्टर धर्म सिंह ब्रजवासी की खास रिपोर्ट। अपनी मुक्ति चाहते, हमारी जमीन के फर्जी बैनामा हो चुके, कई कई बार हो चुके हैं बैनामा। ये हम खड़े हैं बाईपास पर, सौंख रोड चौराया मथुरा टू डी। इसमें सबसे पहले बैनामा सत्यनारायण ने उमेश के लिए किया था। उमेश हमारा भांजा है, ये हमारे ये गणेशरा का निवासी है, सबसे बड़ा भूमाफिया किस्म का इंसान है और सनौप दिसंबर दयाल। इसके बाद में उमेश के बाद में हुकम सिंह को बैनामा किया था सत्यनारायण ने, फिर उसके बाद में हुकम सिंह ने शशिवाला को बैनामा किया था और सत्यनारायण की पत्नी के नाम, तो सत्यनारायण की पत्नी के नाम बैनामा किया, उसमें स्वयं सत्यनारायण ही गवाह है। और भी दो तीन बैनामा कर चुका है बाईपास पे, सौंख रोड पे। बाकी बावजूद ये अनेक तरह की धमकियां देते हैं, और धमकियां के अलावा हमने एक कोरोना काल में एक बैनामा किया था अमरनाथ ने एक दुकान का, उसमें फर्जी तरीके से बैनामा करा करके सेटिंग करा करके उसमें इसने चेक दिया खाली, हमसे बोला भाई के नाते इस चेक को मुझे वापस दे दे और मैं इस चेक को तेरे को कल वापस कर दूंगा खाते में पैसा डाल के। ना तो आज तक चेक दिया ना पैसा दिया। और जो अमरनाथ मेरा नाम है, मेरी शेष जमीन साइड में बची थी, मेरा धुलाई सेंटर था, उसका भी सत्यनारायण ने अपनी पत्नी के नाम बैनामा रजिस्टर ऑफिस में किया। आपने कोई भी पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई की? जी की, हमने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई CO साहब के यहाँ की, थाने में की, तहसीलदार साहब ने हमारे लिए आदेश कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते सही तरीका से, सत्यता से, और सबके लिए समान ही बट मिले। और इसमें कोई भी अभी सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है और वो अपने हिस्से से अधिक भी जमीन बेच चुका है। हमारे पास लेखपाल रिपोर्ट भी है, उसमें 733 सबके शेयर में आती है, उसने 788 का बैनामा किया है। और हमको पुलिस प्रशासन की भी धमकी देता है कि मेरे पास तो काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी गुंडे हैं, तुझको तो ऐसे ही उड़ा दूंगा। हमने कहा भाई हम पे संतान नहीं, हमारी मजबूरियों का तू नाजायज फ़ायदा ना उठा, पछताएगा। उसने हमको धमकी दी, गाली गलौज करी और मारपीट भी की एक दिन, और फिर मारपीट करने को उतार हुए, हमारे पीछे बदमाश भी लगा रखे, हमको जान मान का विशेष भयंकर खतरा है। क्या नाम है? अमरनाथ शर्मा। कौन सा गांव है? महमदपुर पारशोली। जो आज जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं वो क्या कारण है? ये सब भूमाफिया गुंडा किस्म के लोग हैं कुछ, और इनके साथी भी है कुछ आज्ञा दो चार व्यक्ति, इनका एक ग्रोह और गैंग है। ये फर्जी बैनामा संपत्ति का करा करके और ये मारपीट करते, गाली गलौज करते। हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, CO साहब के यहाँ की, थाने भी की, तहसीलदार साहब के यहाँ गए, वहाँ से हमको आदेश हुआ है, अब इसमें हमारी कार्रवाई की जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। ये बहनामा इस प्रकार से किया है कि एक एक जमीन तीन तीन बार बहनामा किए हुए। पहले सत्यनारायण ने उमेश के नाम बहनामा किया, उमेश ने हुकम सिंह के नाम बहनामा किया, हुकम सिंह ने सत्यनारायण की पत्नी के नाम बहनामा किया, उसका नाम है जो शशिवाला, और उसमें सत्यनारायण गवाह भी है। और भी जमीन के काफ़ी फर्जी बैनामा हो चुके हैं, इसमें कोई भी सरकारी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। प्रार्थी अपराधी सरकारी बंटवारा करना भी नहीं चाहता है। इसी दौरान और भी भूमि को गिरवी रख दिया है सभी सहखातेदारों की को,
ये हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम पे कोई औलाद नहीं है, ना औलाद होने के कारण ही हमारी भूमि दबाई जा रही है और हमारे जो शहर में भूमि आती है उसके भी फर्जी बहनामा अपनी पत्नी के नाम कर डाले हैं। और एक कोरोना के चलते हुए हमने बहनामा किया, उसका हमको चेक दिया, चेक उसने ज़बरदस्ती वापस ले लिया, वो खाली दिया, आज तक हमको चेक दिया ना पैसे दिए। और हमको 151 में या 116 में बार बार बंद करा करके पैसे से बंद करा देता और हमको अनेक तरह की धमकी देता है। उसकी औरत भी धमकी देती है सचिवाला कि तुमको ऐसे केस में फंसाऊंगी कि आजीवन पूरा परिवार जेल में सड़ता रहेगा और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम जी चाहे यहाँ डोलो। आप प्रशासन से क्या चाहते? हम प्रशासन से न्याय चाहते, सभी को पूरा हक मिले, पूरा परिवार भूखा मरने की कगार पे है, इन भूमाफियाओं के चंगुल से हमको बचाया जाए, हमारी मदद की जाए, हमारा परिवार अत्यंत दुखी है, आत्महत्या करने की कगार पे है।